चलो बच्चों आज मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, तो ध्यान से देखना बोर्ड पे। ए बोलो सुनो सुनो, वो पूरी तरह से बेवकूफ है, का देखेगा। अबे छोड़े पढ़ाई पे ध्यान दे, तुम तो जब होते बस खाली कोई ना कोई को उंगली करते रहते हो। बोलो अपनी औकात में रहा करो, ज्यादा बात ना किया करो, पीट देंगे हम। हां ताई सही बता रहे हैं ना। बेवकूफ छाले नहीं। जी मैम मैं सुन रहा हूं, बताइए बताइए मैम। हां मैडम जी बताओ, सुन रहे हैं महाराज, सुन रहे हैं सुन रहे हैं। तो अभी से सबके पीछे क्यों पड़ा रहता है रे रेड? काम कोई के पीछे पड़न मैडम जी, तुम खुद है वहाँ पीछे पड़ी हो, जबरदस्ती इनका चक्कर में उल्टा सीधा बोलती रहती हो। अबे तुझे दो चमट लगाऊंगी रेड, अब भगा दूंगी क्लास के बाहर, कान उठी बैठवाऊंगी, मुर्गा बनवा दूंगी। अरे तुम कहा बनाई हो बहुत बड़ी, हमको बनाओगी मुर्गा? हे रेड मेरी मॉम से सही से बात करनी, तो तुझे भी बहुत मारूंगा। अगर ना करेंगे तो क्या कर लेगा बोला? तो जानते हैं हमारे पापा कौन है? हाँ, उसी लिए मैं चुप हूँ इतनी देर से, नहीं तो तुझे बहुत मारता हूँ। वेल हमारे पापा स्कूल के प्रिंसिपल है, अगर तुम ज्यादा बात करो ना तो तुम्हारी मम्मी को हम सस्पेंड करवा देंगे। हाँ जाने दे बुड्ढू, छोड़ जान दे, उससे बात मत कर, वो एक नंबर का बेवकूफ है, छोड़ जान दे। चलिए मैम पढ़ाइए, हम लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपको पढ़ाने का। हाँ बड़ा बड़ा बहुत बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर। अरे कुछ ज्यादा ही बात करने लगा आजकल। तुमने सही कहा यार, हैमर सर दिमाग खराब कर देता है, अभी दो चमट लगा दे ना मैडम जी, तभी डर पे आ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो यार डॉल्फिन। आज की क्लास में हम लोग ABCD पढ़ेंगे। A for apple, B for ball, C for कंपट। अरे C for cat होता है बेवकूफ। अरे हमारे लिए कंपट होता है कंपट। अबे यार रेड पढ़ लो यार, कहाँ पे परेशान कर रहे हो मैडम जी, कहाँ पगला गए हो क्या तुम? यार रेड तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, क्यों हमें परेशान करते हो पढ़ाई में? ओ माय गॉड, परेशान हो रहा है ब्लैकी, ज्यादा बात नहीं। मेरा एक नाम भी है, मेरा नाम नीमो है। नीमो पीमो ने ब्लैकी बोलेंगे, ब्लैकी ज्यादा बात नहीं, पिद्दी जैसे हो पिद्दी जैसे रहना। तुम भी तो पिद्दी हो। ओके निकलो बाहर निकलो बेटा, बताते हैं तुमको, ये सारे लंडन का तैयार रखे हुए अच्छा ब्लू। अबे भाई जा आज मतलब परेशान नहीं। ठीक है बच्चे लोग आज की क्लास खत्म, अब आप लोग अपने घर जाएगी, बाद में मिलती हूँ। ओके मैम ठीक है। ओके मैम ठीक है। ठीक है मैम ठीक है। ठीक है मैम चलो भाई चलते हैं। चलो आ लो चलो चलो, थोड़ा सा गुटका पानी खाते हैं फिर बताते हैं उस ब्लैकी को। अरे यार ये लोग मेरे पीछे जब उधर पड़े रहते हैं, मूड खराब कर देते हैं। मैं हैमर सर के साथ जाता हूँ, हैमर क्या आप लोगों के साथ मैं चल सकता हूँ? चलो चलो हमारे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं भाई। डॉल्फिन तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बस थोड़ा सा, कुछ नहीं। अरे यार पता नहीं क्या, हैमर अपने साथ लिए रहना यार, वो ऑरेंज मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। तुम उससे इतना डरते क्यों हो? तो चार तबड़ाक मारो अभी सीधा हो जाएगा। नहीं यार नहीं मार सकता, मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, उसके पापा बहुत ही खतरनाक हैं। अरे भाई मारो तबड़ाक से, ना ज्यादा भारी में लिए रहते हो तुम। मुझे अपने साथ ले लो हैमर, वो भी मुझे घेर के मारेगा। ठीक है आजा आजा मेरे पीछे आजा, आजा आओ थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं दुकान पे। ठीक है आजा। आइए आइए आपको हर चीज यहाँ पे मिल जाएगी, जो चाहेंगे वो मिलेगी। आइए दोस्त हमारे दुकान पे आपको सब कुछ मिलेगा, चाय पानी बिस्किट जो भी चाहिए सब मिलेगा। फ्रैंकलिन भाई पुराना वाला पिलाओ यार, और मुझे वो कपकेक, और मुझे विमन पाल मसाला खिलाओ यार। फ्रैंकलिन ठीक है देता हूँ देता हूँ। ए ब्लो बिल्कुल बगल में है, चलो घेर लेते हैं, क्या कहते हो? मैं यार छोड़े यार, तुम जब जैसी परेशान नहीं हो यार रेड। बोलो तुम एक नंबर के दोगले हो चुके हो समझो, तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो आजकल। मुझे चॉकलेट वाली आइसक्रीम चाहिए मिस्टर फ्रैंकलिन। बिल्कुल मेरे प्यारे नेमो, मैं देता हूँ देता हूँ, जल्दी करो टीमो। करो फ्रैंकलिन करो करो। क्यों बे चले इधर आ, चल 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 चल। मुझसे चाहते क्या हो यार? आ, इसकी दादागिरी कभी नहीं खत्म होगी। प्रिंसिपल मैम के सामने बेइज्जती किए थे ना तुम। मैं तो बस ये कह रहा था कि चुप हो जाओ यार, पढ़ाई करना है बस, और मैंने क्या कहा था? तुम आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो समझो ब्लैकी, अपने हाथ में रहो, नहीं तो याद रखना हमारे पास ऐसे ऐसे लौंडे है ना, तुमको कायदे से कुटवा देंगे, हमारी बात अपने लंगोटिया से कस लियो, सही बताई थी। ठीक है यार अब मुझे जाने दो। हाँ जा जा चल जा चल चल चल। हमें माफ करना फ्रैंकलिन, लेकिन इस दावत में हम भी आ चुके हैं, इन लोग पता नहीं कब सुधरेंगे, जब होता जहाँ होता मुँह उठा के आ जाते हैं। कुछ पिलाओगे फ्रैंकलिन? हाँ खांचा भाई बड़ी बड़ी मैं पिलाता हूँ, टीमोन बनाओ यार इनके लिए। हाँ भैया फ्रैंकलिन दुकानदारी बढ़िया चल रही ना? हाँ छोड़े सर मस्त चल रहा है, टीमोन जल्दी करो यार, इन लोग जल्दी बना कर भेजो इनको। हमको बहुत गजब गजब चीज की खुशबू आ रही है, एक नंबर। फिर आ गए भाई उन लोग, उधर से। हाँ तो समझ लेना कहा हुआ बे, हाँ परेशान रहता है। अरे बाप रे इन लोग आ गए। हाँ भाई कांचा जब होता है मुंह उठा के चले आते हो तुम। क्या कहा तूने? तुझे लगता है तेरे डैड हर जगह के मुखिया हैं, तो मेरे भी होंगे, अगर बच्चबानी करी तो याद रखना कि मैं कौन हूँ। अरे हाँ बेटा
बाद में बताएंगे हम। चुप करो ना यार रेड, जहाँ होता तुम लड़ने लगते हो। चलो फ्रैंकलिन, हम लोग निकलते हैं। ठीक है, हम लोग का टाइम हो चुका है, जाना होगा। ठीक है मैं समझ गया। चलो यार निकलते हैं, इनकी शक्ल देख के गुस्सा चढ़ जाती है। चलो हाँ यार चलो चलते हैं, इन लोग शक्ल देख ले तो मूड खराब हो जाता। चलो आदम खोर कहीं के, चलो लगता है मेरे आने से कोई खुश नहीं है। आखिर बात क्या है, हमने तो तुम में से किसी को नहीं खाया। आजकल तो हर जगह बड़े बड़े नियम बन गए हैं, हम भी पहले से सभ्य बन चुके हैं, अब हम किसी को नहीं खाते। हमारे लोग उनका भी थोड़ा इज्जत इज्जत दो भाई। हम तो कहते हैं नियम में, हम क्या बाहर में चलो सबको खा लेते हैं। ऐसा मत करना भाई प्लीज, ऐसा मत करना। हम बाहर से आते हैं यहाँ पे सब अपना बेचने दुकानदारी लेकर, प्लीज ऐसा मत करना। अरे मजाक था फ्रैंकलिन, डरो मत, लाओ दो पुराना वाला। ये मुझे घर जाना होगा, डैडी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है मैं जाता हूँ, आ रहा हूँ मैं डैडी, आ रहा हूँ। परेशान मत हुई बिल्कुल भी, एक तो ना जाने समझ में नहीं आता इन लोग से, पता ना हम लोग की कैसे संधि है। ये बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, ये कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। मुझे समझ भी नहीं आता कि रेड के डैड उससे किस बात के लिए संधि करके बैठे हुए हैं। ठीक है मुझे घर जाना होगा, घर चलता हूँ। नहीं नहीं हमको छोड़ दो, नहीं नहीं। हाँ क्या हुआ यार, वापस जाना होगा मुझे। हाँ, ऐसा लगता है हम लोगों ने रेड को पकड़ लिया। मैं आ रहा हूँ रेड। चलो ले चलो चलो ले चलो। यार कंचा तुम जानते हो ये किसका लड़का है, वाओ बहुत परेशानी में आ जाओगे यार। इसने मेरी तोहिन की है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अपने मुंह में हमको मार लिया है, बचाओ हमको, हमको बचाओ। मैं आ रहा हूँ रेड, आ रहा हूँ। जा रहा हूँ, इसके बाप से कहना कि आकर छुड़ा ले। नहीं मत ले जाओ रेड को, मत ले जाओ प्लीज प्लीज। चलो भाई चलो। अरे यार वो लोग रेड को ले गए। अरे यार उसको ले गए, उसके पापा तो मेरी दुकान बंद करवा देंगे यहाँ पर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, अब हम क्या करवे। अबे ठीक है जाने दो, वैसे भी बहुत बोलता रहा हूँ। नहीं यार वो हमारा दोस्त है, हमें उसे बचाना होगा हैमर, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो मैंने कहा था वो तुम्हें बहुत परेशान करता है, और साथ में इतनी ज्यादा बड़बड़ कर रहा था वो। और क्या, उन लोग से बोल रहा था कि उन लोगों को कनपटी आएगा तगड़े से। अबे ये सब बात कौन बर्दाश्त करेगा, तुम्हें सोचो रेड कुछ ज्यादा ही बात करता है। अबे वही हमको लगता है एक नंबर का पागल है रेड। ठीक है रेड, हम समझ रहे थोड़ा पागल है, लेकिन दिल को उतना बुरा नहीं है, समझे। अब देखो यार चाहे वो जैसा हो, है तो वो हमें से एक, हमें उसे बचाना होगा। चलो भाई चलते हैं चलो, कोई पागल के चक्कर में हम लोग अपनी जान देंगे क्या। नहीं रुक जाओ दोस्तों, हमें बचाना होगा, उसे बचाना होगा, साथ मिलके बचाना होगा। नहीं वो मदद नहीं करेंगे, अब हमारी बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। हमारी दुकान समंदर के अंदर बंद यार, वेल अब क्या करेंगे। पहले चल के मिस्टर रेड को ये बात बताते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। चलो मिस्टर रेड, वो मॉन्स्टर आपके बच्चे को ले गए, ले गए। ऐसे ले गए उसको, असल में गलती उसी की थी, वो उन लोग से जबरदस्ती भिड़ रहा था। उन लोग को बोल दीजिएगा कि अभी ज्यादा बात करोगे तो लपड़े लपड़ मारेंगे, मॉन्स्टर मछली जैसे कौन बात करता है, आप ही सोचो। ठीक है जाने दो, ले जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहिए मिस्टर रेड, वो आपका बेटा है, आपको बचाना होगा मिस्टर रेड। हाँ रेड, हमें उसे बचाना होगा, ना जाने ये लोग कितना नफरत करते हैं उससे। वो तो मुझे दिन भर परेशान करता है, लेकिन फिर भी मुझे उससे कोई नफरत नहीं है। ए ब्लू चल, अब लोग चलते हैं, छोटी मछली है, मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, समझे। मम्मी समझ गए, चल रहे चल रहे। तुम क्या कहना चाहोगे फ्रैंकलिन, तुमने मुझसे परमिशन ली थी दुकान लगाने के लिए, तो मेरे बेटे को समझा नहीं सकते थे। सर मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके बेटे को समझाना नामुमकिन है, वो किसी की बात नहीं सुनता, किसी से भी भिड़ जाता है। आपका बेटा एक नंबर का पगलेट है, हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी ये मजाल, माफ कीजिएगा सर, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत चाहा मैं उसे बचा लूं, लेकिन मैं नहीं बचा सका, वो मॉन्स्टर हम सबको खा जाते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, बस वो एक संधि है जिसकी वजह से वो चुप है, लेकिन आपके बेटे ने उनको कुछ ज्यादा ही गुस्सा दिला दिया। इस नालायक का मैं क्या करूं, मूड खराब हो जाता है। हमें बचाना होगा मिस्टर रेड, बचाना होगा किसी भी हाल में, मैं बचाऊंगा। तुम कैसे बचाओगे, खुद को देखो, इतनी भी बड़ी मछली नहीं होगी, तुम जाकर उन मॉन्स्टर को हरा सकोगे, मॉन्स्टर तुमको चट कर जाएंगे एक बार में। हाँ बेटा तुम मत जाना, तुम मत जाना, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। बाबा फिर भी रेड को बचाना ही होगा, वो उसे खा जाएंगे बाबा। मैं तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम परेशान मत हो। मुझे इजाजत दीजिए मिस्टर रेड, आपके बेटे को मुझे बचाने जाना होगा, मेरे पास दो साथी भी हैं। मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, अपने डैड से पूछ कर देखो। मुझे जाने दीजिए डैड, वो मॉन्स्टर बहुत बड़े, वो तुम्हें मार देंगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। मुझे पता है बाबा उन बददिमाग मॉन्स्टर से कैसे लड़ना है, आप परेशान मत होइए। ठीक है बेटा जाओ, बस अपना ख्याल रखना, तुम बहुत साफ दिल के और बहुत अच्छे हो बेटा। हाँ बाबा ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो जल्दी करो, हमारे पीछे आओ। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पहले हम कहाँ जाएंगे फ्रैंकलिन? पहले हम एक क्रैकन मॉन्स्टर के पास चलेंगे, शायद वो हमारी मदद कर सके। ये क्रैकन मॉन्स्टर कौन है? वो बिल्कुल डीप समंदर में रहता है, अगर उसने हमारी मदद कर दी तो बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है चलो फ्रैंकलिन चलो चलते हैं। चलो मेरे पीछे आओ। ठीक है चलो चलो जल्दी करो नीमो, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? अरे मैं ज्यादा तेज नहीं भाग पाता, अब तुम इंसान हो, तुम मुझसे तेज तैर सकते हो। मैं तेज तैरना चाहिए मुझसे, क्योंकि तुम मछली हो। लेकिन मैं ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है चलो चलते हैं, चलो नीचे की ओर तैरो, नीचे की ओर। हाँ ठीक है समझ गया यार, मैं ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, प्लीज हम लोग वीडियो को लाइक कर दो, मुझे समझ में नहीं आता
मैं कैसे बचाऊंगा रेड को, मैं तो बिल्कुल कमजोर और छोटा हूँ। चलो जल्दी करो फ्रैंकलिन। हाँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, जल्दी क्रैकन को आवाज लगाओ, वो आ जाएगा। ठीक है यार वेल। जाने ये क्रैकन पता नहीं कौन है, फ्रैंकलिन समंदर के बारे में इतना जानता है, मुझे यकीन नहीं होता। मैं यहाँ पे रहता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है यार। क्रैकन कहो, क्रैकन सुनो, ये लोग यहाँ पर इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हैं। ये यहाँ पर इतनी तेज मत बोलो यार, नहीं तो कोई भी आ सकता है। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, समझ गए, हमें आवाज लगाना होगा, तुम भी लगाओ। ठीक है क्रैकन कहो, क्रैकन यहाँ तो बहुत अंधेरा है यार फ्रैंकलिन, क्या क्रैकन यहाँ रहता है? हाँ यही रहता है। वाह क्रैकन, क्रैकन तुम्हारी मदद चाहिए यार, प्लीज आ जाओ गाँव यार। क्रैकन, क्रैकन, किसने मुझे आवाज दिया? ऊपर जाना होगा। कौन है, किसने मुझे आवाज दिया? क्रैकन इधर इधर, क्रैकन देख नहीं रहा मुझे कहीं? इधर आ जाओ क्रैकन, हम लोग इधर हैं। ठीक है आता हूँ, मैं आ गया। अरे ये क्या है फ्रैंकलिन? एक क्रैकन है समंदर का राजा। फ्रैंकलिन मेरे पुराने दोस्त, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ क्रैकन, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, और बताओ क्या हुआ, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? क्रैकन हमें तुम्हारी मदद चाहिए, हमारा एक दोस्त है जो शार्क मॉन्स्टर के हाथ लग गया है, बस उसे बचाना है। ओ शार्क मॉन्स्टर, सबको परेशान करते हैं, कितनी बार उनको मैंने बोला नियम का पालन किया करो, वो पूरी तरह से भूखे दरिंदे बन गए यार क्रैकन, हमें उसकी मदद करनी होगी। वेल देखो, उनको हराने के लिए एक मछली चाहिए जो बड़ी मछली हो, खूब बड़ी, और तुम दोनों तो बाहर से आए हुए हो, तुम तो कोई मछली भी नहीं हो, तो कोई मछली है तुम्हारे पास? हमें सर, मैं, मेरा नाम नीमो है, मैं बन सकता हूँ, कोई भी मछली बन सकता हूँ। अच्छा तो तुम हो मेरी प्यारी मछली, कोई बात नहीं तुम बन जाओ आराम से, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, तुम समंदर की सबसे बड़ी ब्लू मछली बनोगे, जाकर उनके हरा के अपने दोस्तों को छुड़ा लेना। फ्रैंकलिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत ज्यादा शुक्रिया। फ्रैंकलिन देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे चीजें लेन देन करनी पड़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये फ्री में नहीं कर सकता, तुम्हें कुछ देना होगा। अपनी शर्त बताओ क्रैकन, अगर मैं कुछ दे सका तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। फ्रैंकलिन तुम्हें पूरे एक साल तक सब कुछ फ्री में देना होगा मेरे मोहल्ले में। अरे यार क्रैकन मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा अगर मैं सारी चीजें फ्री में देने लगा तो। तुम्हारी मर्जी, बदले में तो कुछ देना ही होता है। चलो ठीक है, अच्छा यार मुझे तो बचाना तो है उसको, मैं सब कुछ फ्री में दूंगा तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे लोगों को। तो ठीक है नन्नी मछली, तैयार हो जाओ बड़े बनने के लिए, एक दो तीन। अरे मैं तो बहुत बड़ा हो गया यार, मेरा साइज तो बहुत विशाल काय हो गया। बॉस है नीमो, उनको चलकर हराना है, ठीक है हमें चलना होगा। ठीक है बस अपना वादा याद रखना फ्रैंकलिन। हाँ मुझे अपना वादा याद है क्रैकन, हाँ परेशान मत होइए। तुम्हारे पास शुक्रिया क्रैकन, वाओ तुम मदद ना करते तो मुझे बचा नहीं सकते होंगे। तो ठीक है जाओ, नहीं तो वो खा जाएंगे उसे, वो एक नंबर के बेवकूफ है सारे मॉन्स्टर, जाओ जल्दी। हाँ फ्रैंकलिन हमें जाना होगा, चलो जल्दी करते हैं। अरे यार मैं तो बहुत बड़ा बन गया, हाँ कितनी लंबी और बड़ी मछली, ये ब्लू मछली है, ये जो समंदर के अंदर रहती है जिसके अंदर बहुत ताकत है। ठीक है मैं आ रहा हूँ मॉन्स्टर्स, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आ जाओ चलो जल्दी करते हैं। ठीक है दोस्तों पकड़े रहना। हाँ हम तुम्हारे पीठ पे हैं, चलो जल्दी करो नीमो, हमें उसे बचाना होगा। हाँ बस चल ही रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो मॉन्स्टर कहाँ पर होंगे? वो ज्यादातर वहीं पे होते हैं जहाँ पे इंसानों का सामान होता है, मतलब वो शिप पे, समझ गया ना? ठीक है समझ गया फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तुम बहुत स्मार्ट हो यार, तुम्हें सब कुछ पता होता है। हाँ वो तो है, क्यों टीमोन? हाँ यार बिल्कुल सही कहा, चलो जल्दी करो। लगता हम आ गए नीमो। हाँ बहुत देर से हम लोग चल रहे हैं यार, ठीक है ऊपर साइड चलता हूँ। इतनी बड़ी शरीर पाने के बाद बड़ा अजीब सा लग रहा है यार मुझे। हाँ तुम कभी बड़े बने नहीं हो ना इसकी वजह से, चलो जल्दी करो। हाँ जल्दी कर रहा हूँ। लगता है पहुँच गए फ्रैंकलिन, पहुँच गए, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। तुम एक काम करो यहीं पर रहो, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है ठीक है फ्रैंकलिन, ठीक है देख कर आओ उसको। टीमोन तुम यहीं पर रहो, ठीक है? ठीक है फ्रैंकलिन, वेल मैं देख कर आता हूँ। ठीक है कहाँ हो तुम, कहाँ हो रेड? यहीं कहीं तुमको होना चाहिए। आखिरकार कहाँ जा सकते हो रेड तुम? रेड, रेड क्या तुम सुन रहे हो? रेड कहाँ हो तुम? अरे यहाँ बस वो तुमको खा ना गए हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। रेड क्या वो फ्रैंकलिन वो मिला तुम्हें? नहीं मुझे नहीं मिल रहा यार, इधर मैं देखता हूँ। ठीक है रेड, रेड कहाँ हो तुम? रेड, रेड हाँ एक मिनट, वो रहा रेड, रेड रेड क्या तुम ठीक हो? रेड तो बेहोश है यार, रेड ये तो पूरी तरह से बेहोश है, मुझे अपने पुलिस को लेकर चलना होगा जल्दी से। आ जाओ रेड मेरे ऊपर। ठीक है चलो यहाँ से निकलते हैं, चलो निकलते हैं, वो मिल गया हमें बस बेहोश है। ठीक है चलो चलो। अरे नहीं नहीं आगे बोलो, आगे 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 नीमो, परेशान मत हो मैं देख लूंगा। क्या हुआ, हमारा खाना कोई चोरी करते हुए देखा जा रहा है? तुमने हमारे लीडर के बेटे को किडनैप किया है,
और वो मेरा दोस्त भी है। देखो यार बुरा मत मानना मॉन्स्टर शार्क्स, हम तुम्हारा खाना चुरा कर ले जा रहे हैं, ये हमारा दोस्त है और हम तुम्हें खाने नहीं दे सकते हैं, तो निकल जाओ अपने मुंह लेकर यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी बड़े मछली को लेकर आओगे और हम डर जाएंगे? हम तीन लोग हैं और साथ में हम किसी से भी नहीं डरते भैया। हमको लगता है कि इन लोग को सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें चबा जाओ सबको एक तरफ से। चलो जल्दी निकलो यहाँ से जल्दी, वो हमें मार देंगे। आखिर वो गए कहाँ पर? नहीं नहीं जल्दी। अरे यार उस चारों तरफ से हमने घेर लिए, वैव जल्दी कर, जल्दी करनी है वैव। ठीक है मैं जल्दी कर रहा हूँ, मुझे काट रहे हैं चारों तरफ से। तुम कहीं भाग नहीं सकते, मुझे मेरा शिकार दे दो, दे दो मेरा शिकार। वो मुझे काट रहे हैं, मुझे काट रहे हैं फ्रैंकलिन, मैं ज्यादा देर तक झेल नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूँ फ्रैंकलिन? वो मेरा शिकार है। बहुत हो गया, ये लो। अरे तुम्हें खून आ रहा है नीमो, तुम्हें नीचे से काट रहे हैं, नीमो तुम्हें नीचे से काट रहे, कुछ करो यार, इतनी बड़ी मछली बने हो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते होगे। ठीक है मैं देखता हूँ, वो मुझे नीचे से बहुत तेज काट रहे हैं। ये लो। तुम नहीं भाग सकते, या मरता क्यों नहीं? अब तक और कोई होता तो मर चुका होता। पता नहीं भैया, हम पूरी कोशिश कर ले लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहे हो नीमो? मैं इनको खा जाऊंगा। भाई तुम कर क्या रहे हो, उसके मुंह में क्यों घुसे हुए हो? मैं इसको चबा जाऊंगा, मेरे पीछे ही रहना मेरे भाइयों, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो नीमो? तीनों को एक साथ नहीं खा पाओगे। मैं खा जाऊंगा, मैं खा जाऊंगा तीनों को एक साथ। भाई मैं खा रहा हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। नीमो तुम क्या कर रहे हो, तुम इनको तीनों को नहीं निकल पाओगे। मैं निकल जाऊंगा। मैंने तीनों को खा लिया। अरे वाह नीमो, तुमने तीनों को खा लिया, मुझे नहीं पता था कि ब्लू फिश ये भी कर सकती है। चलो ठीक है ठीक है, अब घर चलते हैं, चलो जल्दी करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुमने सही कहा फ्रैंकलिन, चलो घर चलते हैं। क्या रेट तुम्हारे साथ है? हाँ मेरे ऊपर है, मेरे पीठ पर है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया यार आज, मानना पड़ेगा तुमने बिल्कुल हीरो वाला काम किया। शुक्रिया फ्रैंकलिन, शुक्रिया। ठीक है चलते हैं। हम आ गए, कहाँ हैं आप लोग? आ गए हम रेड को लेकर। कहाँ हैं मिस्टर रेड, कहाँ पर हैं? आपका बेटा आ गया। अभी पे उतरते फ्रैंकलिन, आ जाओ। ये लीजिए मिस्टर रेड, आपका बेटा। आखिरकार तुमने कर दिखाया, इस बेवकूफ को हुआ क्या? ये अभी बेहोश है, वो इसे खाने वाले थे। हम बहुत सही टाइम पर पहुँच गए, सारी चीजें नीमो ने की है, आप उसको थैंक्स कहिए। नीमो तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम इतने बड़े कैसे हो गए और तुम दूसरी मछली बन गए बेटा? कोई नहीं डैड, सिर्फ ये जादू का असर है, थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो जाऊंगा डैड। मुझे तुम पर नाज है बेटा, नाज है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। शुक्रिया डैड। नीमो तुमने मेरी जान बचाई लगता है फ्रैंकलिन। हाँ सुनो मेरे तुम लोग का बहुत शुक्रिया। ले जाइए मिस्टर रेड, इसको ले जाकर आराम कराइए, इस देर पर ठीक हो जाएगा। हाँ मैं समझ गया समझ गया। मम्मी देख रही हो, जिसको डर सबसे ज्यादा परेशान करते रहे वही उसको बचाया। अरे नीमो बहुत अच्छा बच्चा है, नीमो तू बहुत अच्छा बेटे। ठीक है हम चलते हैं। मिस्टर रेड तुमने अपने मन मुताबिक बहुत अच्छा काम किया फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहूंगा। वो क्या मिस्टर रेड? आज से जिस एरिया में हमारा समंदर लगता है तुम हर जगह पर अपनी चीजें बेच सकते हो। बहुत शुक्रिया मिस्टर रेड, बहुत शुक्रिया। तो ठीक है दोस्तों, हमने सब कुछ कर लिया, मैंने अपने दोस्त को बचा लिया, हालांकि वो मुझे बहुत परेशान करता है लेकिन फिर भी वो मेरा दोस्त था। अब जादू खत्म होने के बाद दोबारा फिर वही मछली बन जाऊंगा जो मैं पहले था दोस्तों। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दो प्लीज, नीचे आपको लाइक और सब्सक्राइब दोनों का बटन मिल जाएगा। चलिए डैडी चलते हैं। चलो मेरे प्यारे बेटे चलो निकलते हैं, चलो चलो। ठीक है दोस्तों चलते हैं, गुड बाय।